दोस्तों, ब्रह्म राक्षस का पहला सीजन इतना हिट रहा कि दर्शक इसके दूसरे सीजन की मांग करने लगे थे और दर्शकों की इसी डिमांड को देखते हुए एकता कपूर एक बार फिर से इसके दूसरे सीजन ब्रह्म राक्षस 2 को लेकर आ चुकी हैं, जिसमें पहले की तरह ही हमें हॉरर स्टोरी देखने को मिल रही है, जिसमें अभिनेता पल्लवी पुरी के अभिनय को तो पसंद किया ही जा रहा है और साथ ही साथ कालिंदी के किरदार ने भी दर्शकों से जमकर वाहवाही लूटी है और इसी किरदार को पर्दे पर निभाते हुए नजर आ रही है अभिनेत्री निकी शर्मा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कालिंदी के दमदार किरदार में नजर आ रही अभिनेत्री निकी शर्मा एकता कपूर की पहली पसंद नहीं थी, बल्कि उन्होंने कालिंदी के रोल के लिए इनसे पहले अभिनेत्री सनाया इरानी को चुना था, लेकिन किसी कारणवश सनाया इरानी ने इस रोल को ठुकरा दिया। तो आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के पूरे मसले के बारे में बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ इस खूबसूरत अदाकारा सनाया ईरानी के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी टीवी ने बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित अपने बेहद सफल थ्रिलर ब्रह्म राक्षस का दूसरा सीजन 22 नवंबर को लॉन्च किया है। सीरियल की कहानी पहले की ही तरह हॉरर बेस्ड है, जिसे आगे की कड़ी के तौर पर दिखाया जा रहा है, जिसमें अभिनेता पल्लवी पुरी अंगद के किरदार में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री निकी शर्मा कालिंदी के जबरदस्त किरदार को निभाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कालिंदी का रोल निभाकर कुछ ही एपिसोड्स में लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री निकी शर्मा शो की मेकर एकता कपूर की पहली पसंद नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो कालिंदी के रोल के लिए सबसे पहले इस प्यार को क्या नाम दूं से मशहूर हुई अभिनेत्री सनाया ईरानी को ही चुना था। से इन्होंने उनका शो इस प्यार को क्या नाम दूं देखा था, तभी से वो इनके चुलबुले किरदार को देखकर इतनी ज्यादा प्रभावित हुई थी कि उन्होंने उसी समय मन बना लिया था कि वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट ब्रह्म राक्षस 2 के लिए सनाया ईरानी को ही कास्ट करेंगे। इसीलिए जब उन्होंने सीरियल को प्रोड्यूस करने के बारे में फैसला लिया तो उन्होंने कालिंदी के रोल के लिए सबसे पहले अभिनेत्री सनाया ईरानी को ही कॉन्टेक्ट किया, लेकिन सनाया ईरानी ने इनके कॉन्टेक्ट को ठुकरा दिया। दरअसल आपको बता दें कि कि इस ऑफर को ठुकराने के पीछे की वजह रही इस शो की हॉरर स्टोरी है, क्योंकि आज तक सनाया ईरानी ने अपने लंबे समय के करियर में कभी भी सुपरनैचुरल शो में काम नहीं किया था और जब उन्हें पता चला कि एक सुपरनैचुरल शो है तो उन्होंने तुरंत ही इस शो को ठुकरा दिया और साफ तौर पर कह दिया कि वो अपना कमबैक किसी सुपरनैचुरल शो से नहीं करना चाहती हैं। और सनाया के इस ऑफर को ठुकराने के तुरंत बाद ही ये रोल अभिनेत्री निकी शर्मा को ऑफर किया गया, जो वाकई में शो में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर सनाया ईरानी सुपरनैचुरल शो का हिस्सा रहती तो उनकी जोड़ी पल्लवी पुरी के साथ आखिर कैसी लगती, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने पाने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।